गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विनीत उत्तम, योर असिस्टेंट टीचर, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर सेकेंड ऑफ सिविक्स, एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से चिले या पोलैंड पे डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, वहाँ पे कैसे मिलिट्री रूल होता है, इसके बाद फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी आती है, तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। अब उसके आगे की कहानी समझते हैं। जिस तरह हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस चैप्टर को समझा था, उसी तरीके से मैं आपको आगे भी समझाऊँगा। पूरी चैप्टर की नॉलेज मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के द्वारा दूंगा। आगे हम लोग बात करते हैं, तो बात होती है 20th सेंचुरी के आसपास की। अब 20th सेंचुरी में मतलब 1900 से लेके 1900 से 2000 तक के बीच में 20वीं सदी में जो डेमोक्रेसी थी वो बहुत तेज़ी से फैशन में आ रही थी, मतलब बढ़ रही थी। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में या बहुत सारे जगहों पर, जैसे एशिया और अफ्रीका के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अभी भी डेमोक्रेसी का बहुत ज़्यादा मतलब प्रसार प्रसार नहीं था। वैसे अगर हम लोग बात करें तो जो फर्स्ट डेमोक्रेसी कंट्री के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो उसमें फ्रांस का नाम आता है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी। आपने इसके बारे में पढ़ा है हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पर डेमोक्रेसी आई, लेकिन पूरी तरीके से वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन पाई थी उस समय। और अगर पूरे तरीके से मतलब एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री में सारे फीचर्स होते हैं, अगर इस तरीके की किसी कंट्री के बारे में बात करें तो उसमें पहले नंबर पे नाम आता है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लागू हुई थी। आपको मैं बता देता हूँ कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ये होता है कि जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, इसका मतलब वयस्क मताधिकार, तो उनको सबको वोट करने का अधिकार होता है, चाहे वो गोरे हों, काले हों, या अमीर हों, गरीब हों, महिला हो, पुरुष हैं, व्हाटएवर, उन सबको वोट करने का अधिकार होता है। और उन सभी के वोट की जो वैल्यू होती है वो भी सेम होती है, मतलब एक ही होती है। वर्ल्ड में किस तरीके से डेमोक्रेसी इन कंट्रीज में फैली और तब वो तेजी से प्रसार प्रसार की उसने, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये बात है जब विश्व युद्ध चल रहा था, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब 1945 में जब खत्म होता है, उसके बाद से जो मोस्टली जो कंट्रीज होती है उनमें डेमोक्रेसी आनी शुरू हो गई। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से जो कॉलोनीज थी वो धीरे धीरे से ख़त्म हो गए। कॉलोनीज मतलब कि ब्रिटेन या दूसरे देशों ने जो अपने साम्राज्यवाद की नीति से उन पर कब्जा कर रखा था, उपनिवेश कर रखा था, वो ख़त्म हो गया। तो जब वो देश एक तरीके से फ्री हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, तो उन्होंने धीरे धीरे डेमोक्रेसी को अपनाना शुरू कर दिया। इसी का एक एग्जाम्पल इंडिया है। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1945 में ख़त्म होता है, तो फिर इसके बाद 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट होता है। सभी को पता है कि लोगों का 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, और इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया में डेमोक्रेसी आई, और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। मतलब विश्व में सबसे बड़ा जो डेमोक्रेसी है किसी कंट्री में, तो वो इंडिया है। हम लोग बात एक एग्जाम्पल लेते हैं घाना के बारे में। घाना 1957 में 1957 में आज़ाद हुआ। अब जो नगुमा था वो वहाँ का प्रेसिडेंट बनता है, और उसने आपको हमेशा के लिए वहाँ का प्रेसिडेंट, एक तरीके से डिक्टेटरशिप थी उसके यहाँ पे, उसने स्वयं को तानाशाह घोषित कर दिया और उसने अपने आप को हमेशा के लिए वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया। और जब
कुछ समय बीतता है तो 1966 में मिलिट्री कूप हो जाता है, मतलब जो मिलिट्री होती है वो वहाँ पे कूप कर देती है, पहुँच कर देती है और पूरा जो कंट्रोल होता है पूरे देश में वो मिलिट्री के हाथ पे आ जाता है और बाद में वहाँ पर धीरे धीरे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होनी शुरू होती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी तेज़ी से जो फैली, जो फैशन में आई, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो फैशन में आई, तो वो था 90s के टाइम पे। 90s के टाइम पे होता क्या है, जो सोवियत यूनियन था तो सोवियत यूनियन बंद हो जाता है और 1991 पे 15 नई कंट्रीज बनती है। मतलब जो सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन खत्म होता है, सोवियत संघ खत्म होता है और उससे 15 नए देश बनाए जाते हैं। उन 15 जो नए देश बनते हैं उनमें जैसे आप मान लीजिए पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी हो, मतलब ये लोग डेमोक्रेसी अपनाते हैं, यहाँ पर लोकतंत्र होता है इन देशों में। लेकिन बाद में कुछ समय बाद जैसे पाक में, मतलब पाकिस्तान में 1999 पे वहाँ पे मिलिट्री कब्जा कर लेती है और जो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है और पूरा कंट्रोल मिलिट्री के हाथ में आ जाता है, मतलब वहाँ पे लोकतंत्र बाद में ख़त्म हो गया। ऐसे ही नेपाल में हुआ था। नेपाल में पहले क्या हुआ करता था कि वहाँ पे क्राउन का शासन चलता था, लेकिन बाद में वहाँ पे फिर जब उस समय बीता तो नेपाल में क्राउन का शासन ख़त्म हो गया और डेमोक्रेसी आ गई। लेकिन इसके बाद फिर 2005 में, मतलब 2005 में फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई और डेमोक्रेसी ख़त्म होने के बाद वहाँ पे दोबारा से क्राउन का शासन स्टार्ट हो गया। क्राउन का शासन मतलब राजा रानी या प्रिंस का जो रूल है वो स्टार्ट हो गया। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल और लेंगे। मैं आपको एक इसके पहले जानकारी दे देता हूँ कि 2005 में दुनिया के 140 देशों में डेमोक्रेसी थी, 140 कंट्रीज में डेमोक्रेसी थी तब 2005 तक में, ठीक है। 2005 में कितने देशों में डेमोक्रेसी थी, 140 देशों में। एक एग्जांपल के बारे में और देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, वो छोटू सा, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। म्यांमार 1948 में आज़ाद हुआ, मतलब हम लोग 47 में आज़ाद हुए और म्यांमार जिसका इस समय जो पहले जो नाम था वर्मा का म्यांमार हो गया है, तो 1948 में वो 1948 में आज़ाद होता और उसने वहाँ पे डेमोक्रेसी अपनाई, मतलब लोकतंत्र को अपनाया। लेकिन होता क्या है कि 1962 पे वहाँ पे मिलिट्री कूप हो जाता है और मिलिट्री कूप होने के बाद धीरे धीरे वहाँ पर पूरा जो शासन की व्यवस्थाएँ थी या एक तरीके से कह लीजिए कि जो पूरा कंट्रोल था देश में वो मिलिट्री ने अपने हाथ में ले लिया। और फिर 1990 पे, मतलब 1990 पे वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो सू क्वी वहाँ पे चुनाव जीत जाती हैं, लेकिन मिलिट्री ने वहाँ पर उनके जो जीत थी उसको मानने से मना कर दिया और सू क्वी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और इसके बाद दोबारा से वहाँ का मिलिट्री शासन ही चलता रहा और म्यांमार में आज तक अभी भी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल चल रहा है। स्टूडेंट्स, ये पार्ट हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले पार्ट के लिए वेट करिए एंड टिल देन बाय बाय।